फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक जिनी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं माइक्रोमैक्स के लॉन्च हो चुके एक स्मार्टफोन के बारे में। यस, माइक्रोमैक्स ने साइलेंटली इंडिया में एक स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जो कि बेसिकली एक सुपर लो बजट स्मार्टफोन है, क्योंकि ये स्मार्टफोन एक एंड्रॉयड गो एडिशन पे बेस्ड है जो कि एंड्रॉयड ओरियो गो एडिशन है। एंड ये स्मार्टफोन का नाम है माइक्रोमैक्स स्पार्क गो। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम बाद माइक्रोमैक्स ने एक सुपर लो बजट स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया है एंड दैट टू इट इज़ बेस्ड ऑन एंड्रॉयड गो एडिशन। तो काफ़ी ज़्यादा होप्स तो रहेंगे स्मार्टफोन से, बट आगे देखते हैं कि स्मार्टफोन एक्चुअली हमको क्या ऑफर करता है, क्या खरीदना चाहिए कि क्या नहीं खरीदना चाहिए स्मार्टफोन को। एंड अगर ये स्मार्टफोन के हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे तो ये स्मार्टफोन में 4G वॉइस ओवर LTE सपोर्ट है। एंड इसके अलावा स्मार्टफोन के फ्रंट एंड बैक ये दोनों कैमराज में फ्लैश भी दिया गया है। इंटरेस्टिंग, नॉट इनफ दो, बट फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं माइक्रोमैक्स स्पार्क गो के बारे में। बट अब आगे बढ़ने से पहले, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून फॉर द लेटेस्ट वीडियोज। एंड जो फ्रेंड्स जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड आशा है कि आप सभी वीडियो एंड तक देखेंगे। तो अब आगे बढ़ते हुए क्विकली फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस बारे में बात कर लेते हैं माइक्रोमैक्स स्पार्क गो के बारे में। तो स्क्रीन साइज को लेके हम बात करें तो स्मार्टफोन में 5 इंच का स्क्रीन ही दिया गया है, बट इसमें FWVGA का डिस्प्ले दिया है। एंड इसके अलावा स्मार्टफोन में स्क्रीन रेजोल्यूशन है 480 पिक्सल्स इंटू 854 पिक्सल्स का। एंड अगर एस्पेक्ट रेशो के बारे में बात करें तो पुराना ट्रेडिशनल 16:9 का एस्पेक्ट रेशो दिया गया है। टॉप एंड बॉटम में बेजल्स आर क्लियरली विजिबल एंड इनफैक्ट राइट हैंड साइड भी बेजल्स विजिबल ही है। एंड अगर ये स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में बात करें तो ये स्मार्टफोन में क्वाड कोर प्रोसेसर ही दिया है एंड इसमें स्प्रेडट्रम का चिपसेट यूज़ किया है जो कि है SC9832E का। एंड अगर हम रैम एंड इंटरनल स्टोरेज के बारे में बात करें तो ये स्मार्टफोन में केवल 1 GB रैम दिया है एंड इसके अलावा इसमें 8 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज है, जिसको कंपनी क्लेम भी करता है कि आप मेमोरी कार्ड से इंटरनल स्टोरेज को 32 GB तक एक्सपेंड कर सकोगे। एंड अब बात आती है OS के बारे में। तो बिगनिंग में ही मैंने बोल दिया कि ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड गो एडिशन पे रन करता है। यस फ्रेंड्स, इसमें एंड्रॉयड ओरियो का गो एडिशन सपोर्ट रहेगा। एंड अगर बात आती है ये स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में तो ये स्मार्टफोन का जो रेयर पैनल में जो कैमरा है वो है 5 MP का एंड उसमें आपको एक फिक्स्ड फोकस मिलता है। एंड उसका जो फ्रंट कैमरा है वो है केवल 2 MP का एंड ऑफकोर्स उसमें भी फ्लैश सपोर्ट दिया है। एंड इसके अलावा कंपनी क्लेम भी करता है कि इसके कैमरा में 2x डिजिटल जूम भी दिया है। एंड अब बात करते हैं स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में। तो ये स्मार्टफोन में 2000 mAh की बैटरी दी गई है, ऑफकोर्स कहीं पर भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं रहेगा। एंड इसके अलावा अगर हम लोग इसके कलर वेरिएंट्स के बारे में बात करें तो मल्टीपल कलर वेरिएंट्स में अवेलेबल रहेगा ये स्मार्टफोन जो कि है सिल्वर एंड रोज। एंड अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे तो इन द बिगनिंग एज ए सेट कि स्मार्टफोन 4G वॉइस ओवर LTE सपोर्ट करेगा, वाईफाई रहेगा, ब्लूटूथ है, GPS है, AGPS है, इसमें माइक्रो USB पोर्ट ही दिया जाएगा एंड ऑफकोर्स 3.5 mm का ऑडियो जैक भी रहेगा। एंड सेंसर्स के बारे में बात करेंगे तो यस फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ एम्बिएंट लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर सेंसर्स रहेंगे। देयर इज नो फिंगरप्रिंट स्कैनर, देयर इज नो फेस अनलॉक इन दिस स्मार्टफोन। एंड अगर फ्रेंड्स हम ये स्मार्टफोन के प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे तो ये स्मार्टफोन का प्राइस सेट किया गया है 3999। लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो 26 अक्टूबर से ऑलरेडी ये स्मार्टफोन एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। एंड ये स्मार्टफोन के जो फ्लिपकार्ट सेल्स डेट है तभी ये स्मार्टफोन का प्राइस है 3499, यानी कि आपको ऑलमोस्ट 500 rupees का डिस्काउंट दिया है। एंड इसके अलावा जियो यूजर्स के लिए भी आपको थोड़े बहुत बेनिफिट्स तो मिल ही जाएंगे। बट अगर फ्रेंड्स हम ओवरऑल बात करते हैं माइक्रोमैक्स स्पार्क गो के बारे में, क्या है वंडर के माइक्रोमैक्स ने ये स्मार्टफोन क्यों लॉन्च किया। एक तो आप गो एडिशन भी लाते हो, उसके बाद आप सिर्फ 1 GB रैम सपोर्ट देते हो, वाई? अगर ये गो एडिशन है तो डेफिनेटली इसमें जो फेसबुक, यूट्यूब है, ये सारे ऐप्स है, उसके लाइटर वेरिएंट्स ही होंगे ऑलरेडी इंस्टॉल ये स्मार्टफोन में। तो एटलीस्ट आप 2 GB रैम देते थे, कुछ और थोड़ा जो अभी 3999 प्राइस सेट किया गया उसको आप करीबन 4500 के आसपास रखते थे तो भी कुछ हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अदरवाइज ये स्मार्टफोन क्यों लॉन्च किया, आई डोंट नो। कम्प्लीटली बिल्कुल भी फ्रेंड्स नहीं खरीदना चाहिए ये स्मार्टफोन कभी भी, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि काफ़ी लोग का बजट एक लो बजट हो सकता है कि उनको एकदम मिनिमम यूज़ के लिए ही ये स्मार्टफोन चाहिए। फिर भी इसमें स्पेक्ट्रम का एक लोअर वेरियंट का प्रोसेसर यूज़ किया है, 1 GB रैम, तो क्या फ्रेंड्स आपका स्मार्टफोन वर्क करेगा? तो प्लीज़ फ्रेंड्स बिल्कुल भी ये स्मार्टफोन मत खरीदना। तो ये थी बात फ्रेंड्स ओवरऑल माइक्रोमैक्स के लॉन्च हुए नए स्मार्टफोन के बारे में जो कि था माइक्रोमैक्स स्पार्क गो, जो नाम के हिसाब से स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस कम्प्लीटली कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि बिल्कुल भी ये स्मार्टफोन में हमको स्पार्क नहीं दिखाई दिया। तो फ्रेंड्स अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल टेक जिनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।